दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो देखने को मिलती रहे। शुक्रिया। दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया हमें, उन्होंने पूछा कि हमारा कांटा यहाँ इंडिकेटर तो बिजली का चल रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, बड़ी अलग सी उनकी ये प्रॉब्लम थी, तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यही सेम उनकी कंडीशन थी कि कांटे का इंडिकेटर चल रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में जब हम कांटे को ऑन करते हैं, नीचे स्विच लगा होता है यहाँ, तो कांटा ऑन हो जाता है, लेकिन उनका कांटा ऑन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, इसके तीन कारण हो सकते हैं। अगर आपका इंडिकेटर ऑन है पर डिस्प्ले नहीं आ रही है, तो उस केस में आपका ये स्विच होता है, ये स्विच ख़राब हो सकता है, तो इसी वजह से कांटा ऑन नहीं होता है। ये है पहला केस। अगर आपका स्विच ठीक है, आपने चेक कर लिया, तो सेकंड रीज़न इसका क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें एक रिबन वायर लगी होती है जो एक नीचे डिस्प्ले के साथ कनेक्ट होती है यहाँ ये एंड, और सेकंड इसका इसके साथ। अगर दोस्तों दोनों ही डिस्प्ले आपकी ऑफ है, ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है, तो हो सकता है जो चूहे कई बार अंदर छोटे छोटे चले जाते हैं चूहियाँ, वो इसको कुतर देती हैं, तो जिसकी वजह से कांटा ऑन नहीं होता है। या फिर अगर एक डिस्प्ले आपकी चल रही हो, दूसरी ना चल रही हो, तो उस केस में हो सकता है कि आपकी ये लीड ओपन हो गई हो और या फिर चूहे ने कुतर दी हो। तो ये दो मेन रीज़न हो गए, एक स्विच का अगर स्विच ख़राब हो, सेकंड रिबन वायर डैमेज हो, और या फिर इसका कनेक्टर खुल गया हो लीड का। अब तीसरा जो सबसे एक्सेप्शनल केस है दोस्त, और तीसरा रीज़न, अगर आपकी यहाँ इंडिकेटर ऑन हो रहा है, स्विच आपका ठीक है, रिबन वायर ठीक है, और फिर भी कांटा आपका ऑन नहीं हो रहा है, तो उसका एक रीज़न हो सकता है ये बैटरी। कई बार बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा करंट होल्ड कर लेती है और कांटे को ऑन नहीं होने देती है, ना ऊपर से ना नीचे से। तो ये दोस्तों मेन तीन रीज़न है, पहला स्विच का, सेकंड रिबन वायर का अगर रिबन वायर ख़राब हो, और तीसरा बैटरी का।